राहुल से बात कब हुई थी आपकी? शाम को। और क्या कह रहा था आपसे? कुछ नहीं, हमारे घर की बात हुई, हमारे चाचा मारे उसी के बारे में पूछ रहा था उसका ट्रीटमेंट का। क्या लगता है क्यों मारते हैं? कश्मीरी हिंदू होने की वजह से? माइनॉरिटी की वजह। हम क्या बोलेंगे, ऑफिस के अंदर फिट हिट किया हुआ है माइनॉरिटी को, इसका मतलब चुन चुन कर मारते हैं, चुन चुन कर मारते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को, जो लोग उनकी मेहरबानी, हमें क्या पता है जी, तो अब सारा खत्म हो गया, आग लग गई पूरा, समझो घर ही जल गया, अब क्या फायदा, अब किसी को बोलना ना बोलना ठीक है, हमारे लिए आग आग है, आपका बोला है सारा खत्म। देखिए, इस समय सवाल पूछना भी सही नहीं होगा, इसमें क्या सवाल पूछे, मालूम है कि परिवार किस दौर से गुजर रहा है। एक और परिवार पे देखिए बिजली गिर चुकी है, परिवार का सदस्य जा चुका है, 3 दिन पहले ये कह के गया था जल्दी वापस आऊँगा, अपने अंकल को देखने आया था, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल स्थिति है। जिगरी यार था बचपन का, तो मेरे साथ ही मैंने ही ज्वाइनिंग करवाई थी, मेडिकल करवाया, सब कुछ करवाया, तो जब मैंने सोचा ये देखो मेरी हालत, देख रहे मोटरसाइकिल छूट गया मेरा भगवती नगर में, जो ही मैंने बोलते ग्रुप देखा आपने, मैंने कहा नहीं, बोलते राहुल भट्ट, मैंने कहा कौन सा, बोलते दुर्गा नगर। कब लास्ट मिले थे आप? सर अभी परसों उन्होंने फ़ोन किया रात को 9 बजे, बोल रहे हैं मेरे तहसीलदार साहब आए हैं वहाँ पे, तो कोई बात नहीं आपका अगर कोई होगा वहाँ पे तो कर लेना मसला। कहते बड़े हेल्पफुल थे, बड़ी मदद, बड़ी हेल्पफुल थे, मुझे बोला उन्होंने कि अगर तुम्हारा कोई अपना अनंतनाग में कुछ हेल्प होगी तो मुझे बोलना। लोगों की बहुत मदद, बहुत मदद की, मैंने ओमपुरा में, बड़गाम में, मैं उनके साथ में था जब मैं वहाँ पे हुमामा में जब उनकी ज्वाइनिंग की थी 2011 में। क्यों लगता है आपको ये टारगेट कर रहे हैं? नहीं, टारगेट किलिंग है सर, हिंदू है इसलिए, हिंदू है इसलिए बस, इन्हीं की किलिंग हो रही है, फेलियर नहीं, और क्या, कितनी बार हम सहेंगे? आपको लगता है कि ये कश्मीरी हिंदू है इसलिए इनको मारा जा रहा है? वो तो ऑब्वियसली है ही, कश्मीरी पंडित इनको क्या 90 में क्या किया था, एक को मारा, दहशत फैला दिया ताकि सब बात जाएंगे, इनका यही है। मगर आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ये कश्मीरी पंडित वो कश्मीरी पंडित नहीं है 90 का, इनके मौत हम गांठ उठाने गए, मगर अगर जो मेरी कश्मीरी है, जो मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इतनी छोटी बच्ची वहाँ पर, और आजी साहब कह रहे हैं बात करो उस बच्ची से, बात करो पहले, इस बच्ची को कल के भविष्य दूंगा।